हाय अर्चना जी, हाय सचिन जी, हाय, मैं हूँ सुधा चंद्रन। भाई मेरा पार्टनर कहाँ रह गया? दिल आँखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है। और तुम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो तो भी क्या होगा, वो सूरज है उसे सारा जमाना देख सकता है। हाउ यू, दिस इज शैलेश। और ये पुरानी हवेली उस पे नई पुताई और ये लालटेन भी लगाई। उफ उफ उफ, मेरी बात छोड़ो शैलेश, तुम्हें देखे ऐसा लगता है कि कबड्डी के खिलाड़ी को सूट पहना दिया हो। एक मिनट, तुम अपने इस मुंह पर ये टूथब्रश क्यों लटका के घूम रहे हो भाई? ये टूथब्रश नहीं है, ये मेरी मूछें हैं और ये मेरी आन है, मेरी शान है, मेरी जान है। इसके बारे में कुछ मत कहना, ये उतनी ही खूबसूरत है जितने तुम्हारी खूबसूरत जुल्फें। हाय हाय, जुल्फों की तारीफ करना कोई मर्दों से सीखे। देखो, हमारी तारीफ को ज्यादा सीरियसली मत लेना, हम मर्द बहुत दो कौड़ी के होते हैं। है ना अर्चना जी, हम बहुत दो कौड़ी के होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए ना, मुंह पे खींच के मारते हैं। वैसे हम तुम लोगों को ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेते हैं। अच्छा, घर से बाहर निकलते हो तो कहते हो भाई हम तो शेर है। हाँ। घर आते हो और बीवी तुमसे कहती है कि तुम उल्लू हो, इडियट हो, तो गर्दन कैसे हिलाते हो? हाँ, तो टेक्निक है ना, टेक्निक है, हिलाते हैं, पंगा कौन ले। और औरतों से तो शादी के बाद पंगा लेना ही नहीं चाहिए। मैं एक बार, सचिन भाई, रात को भयानक तूफान बारिश, रात को 2:30 बजे एक मिठाई वाले के यहाँ गया। मैंने कहा 5 रुपए की दही दे दे। मिठाई वाले ने कहा तेरी शादी हो गई क्या? मैंने कहा तू क्या सोचता है, इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी? तब से मैं तो कुछ खरीदने जाता ही नहीं हूँ। खरीदने की बात तो तुम छोड़ ही दो, तुम तो पूरे मारवाड़ी हो। हैं पक्के? फोटोग्राफर के पास जाओगे और उससे कहोगे भाई साहब पासपोर्ट साइज की ऐसी फोटो खींचना जिसे मेरे जूते भी नजर आए। अच्छा, मारवाड़ी ऐसे नहीं करता, फोटोग्राफर भी उसका बाप होता है, कहता सर पे रख ले, दोनों आ जाएंगे। और हम खरीदने के नहीं बेचने के भी एक्सपर्ट हैं। हम तो टूटे फूटे भी हो तो माल बेच दे। एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, सेल्समैन चाहिए, क्या बेचनी है? बोले रामायण बेचनी है। एक मारवाड़ी चला गया, बोले मैं भी बेचूंगा। अबे बोले टेक्निकल फॉल्ट, खुद से तो खुद बिक नहीं रहा है, रामायण का खाक बेचेगा? बोले नहीं, मारवाड़ी हूँ, बेच दूंगा। शाम को आया तो सबसे ज्यादा बेच के लाया। बोले कमाल कर दी यार तूने, कैसे बेची? बोले मैं लोगों के घर गया, घंटी बजाई, रामायण दिखाई, बोला खरीदता है कि सुनाऊं? अब तो कुछ भी बेच दे। अच्छा ठीक है, रामायण की बात कर रहे हैं ना, करते हैं। उससे कुछ सीखा तुमने? बहुत। कितनी महान औरत है सीता जी। हाँ, सीता जी, उनके पति को बनवास हुआ तो उनके साथ साथ जंगल तक पहुंच गई। देखो भाई, ऐसा है, सीता जी बहुत महान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन बहू के जंगल जाने में बहुत बड़ी सीख है। घर में 3-3 सासू होना तो जंगल ही ठीक है। और वो भी जो सासू आजकल के जैसी है ना, गब्बर सिंह को अपने डाकुओं को डराना होता है तो कहता है सो जाओ और नहीं तो वो है ना बिंदी की फैक्ट्री आ जाएगी। और वो बा 105 नॉट आउट, 105 अभी तक खेल रही है, पिच खुद गई, उस सास की सांस नहीं छूट रही है। बाकी सासों की बात छोड़ो, अरे तुम लोग तो खुद सोच सोच कर सांस खींचते हो, खर्च करते हो, जोक्स भी सुनाते हो ना, तो वो जो पंचलाइंस है ना उसे भी रोक कर रखते हो कंजूस कहीं के। गाली दे रहे हो? नहीं नहीं, गाली नहीं दे रहा, मारवाड़ी हूँ, दे तो सकता ही नहीं ना। कुछ भी दे तो सकते ही नहीं, मेरे से निकलवा लो तुम अठन्नी। मेरे घर पे एक बार एक लड़का स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने आया, मैंने 2 बाल्टी पानी टिका दिया। मैंने कहा इससे ज्यादा क्या लगा? एक आया मेरे यहाँ, बोले पैसा चाहिए। मैंने कहा किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। मैंने कहा बदतमीज आदमी खड़ा हो, कहाँ के लिए पैसा मांग रहा है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जा जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, काहे का पैसा घटाओ? पैसा ऐसे दिया जाता है क्या? सोच समझ के खर्च करते। अरे हम तो अक्षर तक वेस्ट नहीं करते। वो बच्चन साहब वो गेम शो में पूछ लिया, मारवाड़ी सामने फंस गया, बताओ लालू प्रसाद यादव के कितने बच्चे हैं? A8, B9, C10, D11। मारवाड़ी बोला B9,
बच्चन साहब बोले लॉक कर दूं, बोले जल्दी कर दे वरना उसका कोई भरोसा नहीं है, एक मिनट में आंसर गलत कर देगा। ओफो, तुम मारवाड़ी लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत डिसेंसी हम साउथ इंडियन से सीखा करो। देखो ऐसा है, हम पैसों के लिए नहीं ऐसा कुछ कर सकते, पैसों से अलावा भी हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है, वो कहता हूँ कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, बात तो तुम्हारी सच्ची है, बात तुम्हारी भी सच्ची है। तो फिर ये कहें कि ना नॉर्थ इंडिया ना साउथ इंडिया, ओनली इंडिया, तो चक दे इंडिया। आइए श्रुति जी, सबसे पहले वेलकम टू कॉमेडी सर्कस एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट वेरी वेरी एंटरटेनिंग पीस। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू शैलेश, थैंक यू वेरी मच। एंड अब आपसे मैं क्या पूछूं, लेकिन आपको हमारी ये आज की सरप्राइज जोड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत बढ़िया सुधा, शैलेश आप दोनों बहुत बढ़िया थे, शुक्रिया। आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री थी वो बहुत बहुत अच्छी थी, नॉर्थ और साउथ का मेल आपने जिस तरह से किया, कॉन्फ्लिक्ट एक पैदा करके और फिर दोनों एक साथ होकर अपनी नेशन को जो है वो बहुत सशक्त और पुख्ता बनाए बनाने की जो एक आइटम आपने पेश की, बहुत ही खूबसूरत एक्ट था आपका। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। Sudha, so lovely to see you again. Thank you so much. And so lovely to welcome you on this stage for the first time. Shailesh, welcome to you also on Comedy Circus. There was so much chemistry, so much comfort. आप दोनों ने पहले एक दूसरे के साथ perform किया है? जी नहीं, आज पहली बार। आज पहली बार हमारी मुलाकात हुई है। Oh my God, so it's really fantastic. हमारी chemistry और physics हमेशा अलग अलग है। हालांकि तुम्हारी जो physics geography थी, वो मतलब north और south की जो थी, वेरी लवली, और एक जो फ्रेशनेस आप स्टेज पर लाए हैं, दैट इज रियली वंडरफुल। एंड सुधा, आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू एज अ लेडी, आई मस्ट से दैट यू लुकिंग गॉर्जियस, और आपकी जो बिंदी की दुकान आपने बुलाया, बहुत बढ़िया, लवली पंच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेल डन बोथ। वैसे मैं भी बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। हाँ ये मैं बोल, मैं परमीत का फोन आ रहा है। Thank you, Jodis, and can you please come up on stage? So, ladies and gentlemen, अब तक laughter was the best medicine, लेकिन comedy circus लगे रहो से अब ये staple diet बन गया है। अगले हफ्ते शनिवार रात ठीक 9:30 बजे अपनी candlelight dinner की appointment fixed रहेगी। कॉमेडी सर्कस लगे रहो की थाली में स्टैंड अप डेलिकेसीज परोसकर आपके लाफ्टर एपेटाइट को बढ़ाने के लिए हम सब फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब खैर।